दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर है तो आपको गूगल के कीबोर्ड के बारे में पता ही है, लेकिन क्या आपको गूगल के कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में पता है? तो सेटिंग के बारे में आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने ऐसी सेटिंग के बारे में बात किया जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुबिन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक सुबी। हमेशा की तरह इस चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने कुछ टाइप किया और उसके बाद आपको पता चला कि आपको कुछ चेंज करना है, तो आप वर्ड के ऊपर क्लिक करते हो। इसमें आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिलता नहीं है, तो आपको इस स्पेस बटन को प्रेस करके स्लाइड करना है, तब आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगा। तो दूसरा नंबर जो है, मान लो आपने कुछ टाइप कर लिया, उसके बाद आपको पता चला कि ये तो मेरे को कैपिटल वर्ड में लिखना था, उसी टाइम में आप उसी वर्ड को पूरा डिलीट कर देते हो। उसको एकदम से डिलीट नहीं कर देना चाहिए, आप सिंपली उसी वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको इस एरो वाले बटन को दबाना है। जैसे आप दबाओगे तब आपका वर्ड कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तीसरा नंबर में जो टिप्स है, कई बार आपको स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना पड़ता है, जैसे कि हैशटैग, @ डॉट, तब आप यहां से जाके स्पेशल कैरेक्टर ऐड करते हो। तो मैंने इसके भी एक तरीका बताने जा रहा हूँ। तो पहले आपको चले जाना है जीबोर्ड की सेटिंग में, उसके बाद प्रिफरेंस में चले जाना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल को ऑन कर देना है। तो मैं जीबोर्ड में जाके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो बार बार यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर को चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो तो स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकोगे। उसके बाद जो टिप्स आता है, आपको कई बार दिक्कत आती है कीबोर्ड को एक हाथ से प्रेस करने से, तो आप यहां से एंटर बटन को प्रेस करके ऑन वन हैंडेड मोड को एनेबल कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इसको कई तरह की एडजस्टमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला जो ट्रिक्स है, आपको इस कीबोर्ड को यूज करने से बोरिंग लग रहा है तो आप इसका थीम भी चेंज कर सकते हो। तो थीम चेंज करने के लिए आपको जाना है, यहाँ से पहले सेटिंग में जाना है, यहाँ से थीम में क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कई सारे थीम दिखने को मिल जाएगी। और आप एक ट्रिक और एक आप ट्रिक बता देना चाहता हूँ, जब आप यहाँ से एक या दो टाइप टाइप करते हो तब आपको काफ़ी टाइम के लिए प्रेस करके करना पड़ता है, इसके टाइम को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर सेटिंग में चले जाना है, यहाँ से प्रिफरेंस में चले जाना है, यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ से आप की लॉन्ग प्रेस डिले पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं और कम टाइम भी दे सकते हैं। तो मैं इसको फुल कर देता हूँ, तो आप कीबोर्ड में जाके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में काफ़ी लेट हो रहा है। तो आप कम करोगी तो आपका टाइम कम लगेगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।